एक्सआई न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास खबर में। आपको बता दें, यू तो बॉलीवुड में काफी अच्छा दौर दिखाई दे रहा है, यानी कि काफी अच्छा समय चल रहा है। जहां पर शादियों का सीजन है तो कई सुपरहिट फिल्में आ रही हैं, कई सुपरहिट फिल्में लाइन में हैं, तो कहीं ना कहीं हर कोई इन दिनों बॉलीवुड में हर एक सितारा अपनी काबिलियत को दिखाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की फिल्म जीरो का इंतजार भी फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। जिस तरह से इंतजार अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 का किया जा रहा था, उतना ही बेसब्री से इंतजार को फैंस को इंतजार है शाहरुख की फिल्म जीरो का। आपको बता दें कि हाल ही में खबर आ रही है कि जीरो के सेट पर भयानक आग लग गई थी। जी हां, जब शूटिंग हो रही थी तब 60% सेट पूरा जल गया था। कहीं ना कहीं जहां पर ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और खुद शाहरुख, कैटरीना और अनुष्का ने ट्रेलर लॉन्च के मौके पर तमाम चीजों का जिक्र किया, तो हाल ही में कहा जा रहा है कि जीरो के सेट पे एक ऐसा हादसा हो गया था जिससे किसी को कोई चोट तो नहीं आई, मगर 60% सेट जल चुका था। जी हाँ, भयानक आग थी। करीबन 40 कहा जा रहा है 40 सेकंड तक ये आग रही थी, मगर अच्छी चीज ये है कि यहां पर किसी को कोई हानि नहीं हुई, सिर्फ सेट ही 60% तक जल गया था। आपको बता दें कि ये रिलीज से पहले की ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं जो वाकई ही कहीं ना कहीं फैंस जान के भी हैरान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि फिल्म जो जीरो है वो 21 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, तो फैंस को भी इंतजार हो रहा है क्योंकि इस फिल्म में एक अलग सा नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जहां पर किंग खान एक बोने का किरदार निभाएंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी कहानी जो है एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगी। जितनी बेसब्री से फैंस को इंतजार है, हम उम्मीद करते हैं कि बड़े पर्दे पर ये फिल्म उतना ही अच्छा कलेक्शन करेगी। फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।